भवापार स्थित मुंजेश्वर नाथ का शिव मंदिर अपनी प्राचीनता तथा पवित्रता के लिए शताब्दियों से प्रसिद्ध है। ये मंदिर गोरखपुर मंडल के जन जन के श्रद्धा एवं विश्वास का केंद्र है। पेश है गोरखपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर भवापार में स्थित मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर एक चार दीवारी से घिरा हुआ मंदिर परिसर में मध्य शिवाला शिवलिंग स्थित है। ये क्षेत्र 87 राज्य के अधीन आता था। भवापार में 87 राज्य की राजधानी थी। नागकोश लोतर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार मुंजेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना 87 नरेश राजा मुंज ने किया था। मुंजेश्वर नाथ महादेव का मंदिर पुरातत्व वास्तुकला और मूर्ति कला के प्रतीक की अस्पष्ट छाप है। सामने अव्यवस्थित ऊंचा चौत्य जिसके गर्भगृह में स्थापित है भगवान भूत भवन का अत्यंत प्राचीन पवित्र शिवलिंग, जो कि बिल्कुल खुला खुलासा सहजशील और उन्मुक्त कृतिमता तथा बनाटीपन से कोसों दूर बूढ़ा विशाल बरगद अपनी लंबी बाहें फैलाए चिरकाल में सजग प्रहरी की तरह खड़े मंदिर में धनानस्थ योगी की भांति मौन भाषा में प्राचीन इतिहास का अवलोकन करते प्रतीत होंगे। इसने सैकड़ों बरसातें, ठंड, अनेक उतार चढ़ाव, राज विपल दिखे हैं, लेकिन मौन शांति से अडिग खड़े हैं। सामने अवस्थित सरोवर के जल में सुबह की सुनहरी किरणों के साथ चमकते हुए मंदिरों के स्वर्ण कलश मंद पवनांदोदित ध्वजाएं ऐसे प्रतीत होती हैं कि मानो आगंतुक की बाहें पसारे बुला रही हैं। एक वृहद प्रवेश द्वारा जो अपनी प्राचीनता को प्रकट करती है। देव स्थान के इसी प्राकृतिक तथा रम्य स्वरूप को देखकर प्रोफेसर इरिक स्टार्क मोहित हो उठे थे। जनवरी 1972 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर इरिक स्टार्क ने इस मंदिर के अलौकिक स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए कहा था, भारत अलौकिक देश है तथा उसके महादेव भी अलौकिक हैं। जहां नदी है, गणेश हैं, वहां शिव भी हैं। प्रतिवर्ष शिवरात्रि, दशहरा, मलमास एवं सावन के हर सोमवार को तो यहाँ शिवरात्रि जैसा माहौल होता है। शिवरात्रि के अवसर पर तो दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी रमानंद गिरी बताते हैं कि भगवान अनादि देव शिव की असीम कृपा से श्रद्धालुओं की हर प्रकार की मनोती यहाँ पूरी होती है। 20 एकड़ में स्थित मुंजेश्वर नाथ के प्रांगण में विशाल शिव सरोवर के साथ राम जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर, पार्वती मंदिर, संतोषी माता मंदिर, काली माता मंदिर, साईं बाबा मंदिर भक्तों द्वारा स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को शिव मंदिर में दर्शन के उपरांत मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 6,24,00,000 रुपये की योजनाओं का शिलान्यास एवं 100 करोड़ रुपये की 34 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता सिकंदर यादव से बात करते हुए मंदिर के पुजारी रामानंद गिरी, हिंदू युवा वाहिनी के अजय गिरी, गोरखनाथ मंदिर के पुरोहित वेदाचार्य रामनुज त्रिपाठी और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने कहा। हनुमान जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा, 15 लाख से ऊपर लोगों ने सुन करके भगवान भोलेनाथ कामना कर आए कि जब कैलाश पर्वत पर लेके पार्वती के तो भारत देश विकसित देशों में अग्रणी खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामानंद गिरी।
ऐसा यहाँ बहुत पहले जो है, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व जो है, यहाँ पर पहले राजभरों का जो है ये शासन था, और ये राजभर के समय से ही ये जो है, उसके पहले से ही ये जो है शिवलिंग निकला हुआ है। उसके बाद जो है, जब यहाँ पर एक बगल में जो है उनवल इस्टेट है, उनवल के राजा के यहाँ कोई पुत्र पैदा नहीं होता था, तो वहाँ पर जो है, जो उस समय के जो शंकराचार्य थे ब्राह्मण लोग, उन लोगों ने बताया कि जो आपकी जब धर्म पत्नी गर्भवती हो तो उनको आप अपने स्टेट से अलग लेकर के जाइएगा और वहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था करिएगा, तो उसके बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने यहीं बगल में, यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है कनराई में, उन्होंने जो है अपना एक जो है छोटा सा उनके रहने के लिए व्यवस्था किया, तो वहाँ पर उनके जो पुत्र हुए उनका नाम राजा होरी सिंह था। उस पुत्र का नाम होरी सिंह था। वही होरी सिंह चूंकि जो है वहाँ पैदा हुए थे और वह यहाँ पर भी जो है राजभर शासन के बच्चों के साथ आते थे यहाँ पर खेलने के लिए, तो जब यहाँ खेलने आते थे तो बच्चों में आपसी सामंजस्य स्थापित हो गया। तो बाद में जो है यहाँ पर शिवरात्रि में जो है, आज भी पहले के समय से ही, आज इस समय भी जो है, यह मान्यता है कि जो शिवरात्रि के दिन बाबा मुंजेश्वरनाथ को सबसे पहले पूजन कर लेता है, तो उसके बाद जो उसकी मांग होती है वह भगवान पूरा करते हैं। तो राजा होरी सिंह भी जो है शिवरात्रि में जो है पहले पूजा करने के लिए यहाँ पर आए, तो उस समय जो है राजभर के लोग ही पहले पूजा करते थे, तो उन लोगों ने पूजा नहीं करने दिया, तो बाद में राजा होरी सिंह ने जो है इस राजभर के साम्राज्य को भी जो है अपने कस्टडी में ले लिया, और उसके बाद तभी से जो है ये जो है रुद्रपुर स्टेट और ये 87 राज के नाम से इस समय चलता है। और जो यहाँ पर पुजारी लोग हैं, ये पुजारी लोग जो है यहाँ पर जो गोसाई समाज है, गोसाई समाज का जो है ये शंकराचार्य के वंश से हम लोग हैं, तो हम लोगों में जो है कुल 7 लोग थे शंकराचार्य के। तो सबसे पहले जो थे वह शिवदिहलगिरी थे, तो शिवदिहलगिरी यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आए थे, तो उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। इस समय हम लोग की 13वीं या 14वीं पीढ़ी चल रही है। तो यहाँ पर मान्यता ये है कि आप जो है श्रावण मास में जो है, तो प्रतिदिन आप जब भी चाहें भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं, और उसके बाद जो है आप शिवरात्रि में जो है सबसे पहले अगर आपकी कोई मान्यता है कि हमको क्या प्राप्त करना है, तो आप सुबह आकर के भगवान को यहाँ पूजा करिए, तो भगवान आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। यहाँ पर जो है एक सरहरी स्टेट जो है आपके पीपीगंज के तरफ है, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहले से आते हैं और इस समय भी आते हैं, चूँकि उन लोगों की भी यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। और क्या क्या विशेष मान्यताएं हैं? और विशेष मान्यताएं यही है कि यहाँ पर जो है अभी तक कोई ऐसी घटना जो है, जो ये चूँकि ये शिवचक जो है हम लोगों का नाम पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि शिव जी का मंदिर है उसी के नाम पर इसका नाम शिवचक पड़ा है, तो इस शिवचक के जितने एरिया हैं इस एरिए में आज तक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, न तो किसी की अकाल मृत्यु हुई है यहाँ पर रहते हुए, और न तो कोई एक्सीडेंट ही हुआ है। और यहाँ पर एक और है कि जैसे जब मान लीजिए आंधी और तूफान का समय आता है, तो यहाँ अगर आप इस पेड़ के नीचे भी रहेंगे तो डाल आपके ऊपर नहीं गिरेगी, जा करके दूर ही गिरेगी, क्योंकि यह तो हम लोगों ने साक्षात देखा है कि हम लोग जब पेड़ के नीचे से चले गए हैं, उसके बाद एक बार जो एकाएक डाल उसी तरह से नीचे आकर बैठ जाती है जैसे आप झोला उठा करके नीचे रखते हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज मंदिर पे 6,23,55,000 रुपये आया हुआ है, उस कार्य का शिलान्यास करें, अन्य कई शिलान्यास जिसको करेंगे। यहाँ पे खड़ा होगा, 2 दिन से सुरक्षा व्यवस्था एकदम बढ़िया से चल रही है, बैरिकेटिंग इत्यादि सारी बढ़िया तरीके से हो चुका है। SPDM और CDO महोदय निरंतर कल से लेकर परसों से लेकर एकदम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ बाबा मुंजेश्वरनाथ का दर्शन करेंगे। हमारा नाम रामानंद त्रिपाठी बेदाचार्य, मठ पुरोहित गोरखनाथ मंदिर। श्रावण का महीना चल रहा है, इसमें जगह जगह भगवान शंकर के रुद्राभिषेक हो रहे हैं। यह मुंजेश्वरनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, ये स्वयंभू शिवलिंग है, उसी के क्रम में यहाँ भी इस देश के विकास के लिए, देश के तरक्की के लिए, देश के उत्थान के लिए योगी जी ने मुंजेश्वर महादेव के यहाँ रुद्राभिषेक किया। दूध दही घृत मधु चीनी अन्यान रस से यहाँ अभिषेक किया गया। सबसे पहले तो पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर बाबा मुंजेश्वरनाथ जी के यहाँ जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 6.5 करोड़ के करीब यहाँ पर इसकी योजना का जो है शिलान्यास किया है। इसके अलावा 102 करोड़ रुपए का सचनवा और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में जितने कार्य हो चुके हैं उनका लोकार्पण किए हैं और शिलान्यास किए हैं। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने नौसण में बस स्टैंड का उसका लोकार्पण किया है, जो कि पिछली सरकारों में बंद पड़ा हुआ था, 20-25 साल से बंद पड़ा था,
उसका भी भवन बन गया है। वहाँ से आज हरी झंडी दिखा करके बस को भेजे भी हैं।